नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल पिकी इंडिया में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कैसे एक शहर को समुद्र पूरा का पूरा निगल सकता है। दोस्तों, बात है एटलांटिस शहर से। एटलांटिस शहर से कई कहानियां जुड़ी हुई हैं और जो काफ़ी मशहूर है। कई वैज्ञानिक और इतिहासकार इसके होने का पूरा यकीन रखते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यह शहर एशिया से भी बड़ा था और एक पूरा का पूरा शहर पानी में डूब गया और इतिहासकार आज तक इसे ढूंढने में लगे हुए हैं। इस शहर को एटलांटिस या एटलांटिस का खोया हुआ शहर भी कहते हैं। माना जाता है कि अटलांटिक महासागर में यह शहर एक टापू पर स्थित था। यूनान के दार्शनिक गणितज्ञ प्लेटो की कहानियों में मिलता है। 360 ईसा पूर्व प्लेटो ने इसे दुनिया का सर्वाधिक सभ्य नागरिक सभ्यता का केंद्र कहा था। समुद्र में डूबकर एक पहेली बन जाने वाले शहर को पूरे यूरोप का केंद्र भी कहा जाता था। मशहूर लेखक चार्ल बर्टिज ने भी अपनी किताब टू मिस्ट्री ऑफ एटलांटिस में इसके अस्तित्व को साबित किया है। इसके गायब होने को बरमूडा ट्रायंगल की तरह ही रहस्यमय माना जाता है। कई इतिहासकार और वैज्ञानिकों का दावा है कि वो एक ना दिन इस शहर को खोज ही लेंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर सच क्या है। दोस्तों, आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब तक एटलांटिस शहर का अस्तित्व दार्शनिक प्लेटो की कल्पना ही माना जाता है। कोई भी इतिहासकार इस शहर के होने के दावे को साबित नहीं कर सका है, क्योंकि अब तक इस शहर का कोई भी अवशेष समुद्र तल में खोजा नहीं जा सका। इसका क्षेत्रफल पूरे एशिया के क्षेत्रफल से भी ज़्यादा बताया जाता है। प्लेटो की कहानी भी अटलांटिक महासागर के जिस हिस्से में इसके होने का दावा करती है, वह जगह इतनी बड़ी नहीं है जिसमें यह विशाल शहर समा सके। क्या समुद्र पूरे शहर को निगल गया? दुनिया भर में इतिहास में जिज्ञासा रखने वाले लोग आज भी खोए हुए अटलांटिस शहर की खोज में लगे हुए हैं। अब शहर के रहस्य से पर्दा उठता है या शहर एक रहस्य बनकर ही रह जाता है, इसका पता तो आने वाले समय में ही चलेगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल से ऐसी ही रोचक जानकारियाँ पाने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।